फ्रेंड्स, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग ऑफ ट्रांसफॉर्म स्ट्रीक। तो आज मैं लगभग 20 दिन बाद फिर से एक और नया व्लॉग लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का ये जो व्लॉग होने वाला है, एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने नैनीहाल। तो हमारा नैनीहाल पड़ता है लगभग यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर है ये सौड़ गाँव। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं आज, क्योंकि आज वैसे कोई खास ओकेज़न नहीं थी नैनीहाल जाने की, पर आज मेरे साथ आप जो देख रहे हैं, मैं मामा का लड़का आया हुआ था, तो ये आज जाने वाला था, सो घर जाना था आज। तो हमने सोचा चलो आज एक व्लॉग बना लेंगे वहाँ का और आपको दिखा देंगे वहाँ का एक गांव। तो आज इसको हम छोड़ने जा रहे हैं वहाँ, तो इसलिए मैंने सोचा एक व्लॉग भी बना लूँगा और आपको वहाँ का गांव भी दिखा लूँगा। तो आज मेरे संग हमारी मम्मी भी हैं। तो पहले वैसे हम सुबह जल्दी जाने वाले थे, 6 या 7 बजे लगभग निकलने वाले थे, पर फिर मम्मी का भी प्रोग्राम बन गया कि मैं भी चलती हूँ अपने मायके, तो फिर इनको भी लेके आ गए। और उसके बाद हमको फिर काफ़ी लेट हो गई जाने के लिए, अभी लगभग 2 बज चुके हैं हमको यहीं। तो आज फिर थोड़ा लेट से वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं आगे को, आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का गांव। तो फ्रेंड्स, वैसे आप सब लोग को पता नहीं होगा कि सौड़ गांव कहाँ पड़ता है, तो वैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और यहाँ से किलबरी तो आपने सुना ही होगा अक्सर, और यहाँ का काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है। तो किलबरी पड़ता है, उसके बाद पंगूट पड़ता है, पंगूट के बाद पड़ता है घूहान, तो उसके बाद आता है सौड़ गांव। मतलब पंगूट से लगभग 15 या 20 किलोमीटर आगे पड़ता है सौड़ गांव, तो वहीं आज मैं जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाऊँगा बीच बीच में कौन से गाँव पड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे को। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अभी हिमालय दर्शन, और यहां से अभी हिमालय बिल्कुल दिख रहा है। शायद कैमरे में सही से आ पाए या ना आ पाए, पर अभी यहां से हिमालय दिखते हुए, पिछले बार जब मैं आया था यहाँ से हिमालय नहीं देख पाते हम, पर अभी यहाँ से हिमालय साफ दिख रहा है, शायद कैमरे में नहीं आ पा रहा उतना साफ। तो चलिए आपको आगे से दिखाऊंगा हिमालय यहाँ पे से। फ्रेंड्स, अभी हम हिमालय दर्शन से आगे आ चुके हैं और रास्ते में हैं। हिमालय दर्शन से अभी जस्ट थोड़ा सा आगे हैं, अभी हम किलबरी नहीं पहुँचे, पर यहाँ पे से अभी थोड़ा पीछे हिमालय दिख रहा था, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। वैसे अगर आपको हिमालय देखना हो तो आप यहाँ पे, मतलब अगर आपको हमेशा ही देखना है, कि जैसे कि मतलब आप यहाँ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोहरा लग जाता है और बादल लग जाते हैं तो दिख नहीं पाता हिमालय, तो अगर आपको हिमालय देखना ही देखना है तो सुबह जल्दी से यहाँ पर मतलब 7 या 8 बजे तक लगभग आ जाएँ, तो हिमालय दिखने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सनराइज़ भी देख सकते हैं आप थोड़ा और जल्दी आएँ तो 6:30-7 बजे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ पे जूम करके। इसका कैमरा उतना अच्छा क्योंकि जूम नहीं है इसमें गोप्रो में, तो उतना साफ तो नहीं दिख पाएगा, पर हल्का फुल्का जितना भी हिमालय आपको यहाँ पे से दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको हल्का फुल्का यहाँ से हिमालय दिख पा रहा है अभी क्लियर। अभी लगभग कोहरा भी लगा हुआ है वैसे तो, पर फिर भी अभी इसका अगर कैमरा अच्छा होता, मतलब कैमरा होता, अगर ये DSLR होता तो जूम करके काफ़ी साफ देख सकते थे आप, पर अभी यहाँ पे इतना साफ दिख नहीं रहा है हिमालय। पर फिर भी अगर आप वैसे अभी नेक डाइस से देखेंगे तो काफ़ी साफ दिखेगा, पर एक कैमरा उसको उतना अच्छा कवर नहीं कर पा रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है अभी तो यहाँ पे का फिलहाल, तो बहुत दिन बाद। एक दिन वैसे मैं सुबह भी आया था 7-8 बजे के टाइम पर, तो उस टाइम पर तो काफ़ी साफ दिख रहा था हिमालय, अभी तो लगभग फिर भी यहाँ पर कोहरा है। तो देखिए कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स, अभी हम चल चुके हैं अब अपने नैनीहाल की तरफ, और अभी हम किलबरी नहीं पहुँचे वैसे, जो मैंने आपको हिमालय दिखाया था। तो काफ़ी अच्छा, वैसे यहाँ गाड़ी चलाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन सड़कों में, मतलब अभी काफ़ी गाड़ी चला चला के बहुत सी सड़कों में बोर हो जाता हूँ, पर यहाँ गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छा लगता है। सिंगल सड़क है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, बहुत पुरानी सड़क। तो अगर आप ऑफ रोडिंग भी पसंद करते हैं गाड़ियों में तो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मतलब किलबरी पंगूट तक तो ये रास्ता अच्छा रहता है, उसके बाद फिर ऑफ रोडिंग कह सकते हैं उसका, क्योंकि डामर ऐसा उखड़ चुका है कि उसमें सड़क है ही नहीं। मतलब अभी आपको दिखाऊँगा मैं आगे कैसी सड़क है, बिल्कुल वो ख़राब सी। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर की रोड, चारों तरफ दोनों तरफ पूरा घना जंगल एकदम, और बीच में सड़क, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए। रात में भी आया हूँ मैं काफ़ी टाइम यहाँ से, और अभी दिन है गहरी, तो अभी भी काफ़ी खतरनाक ठंडा होता है यहाँ, और बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है इधर पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ एकदम घना जंगल 5 के पेड़ों का, और उसके बाद बीच में पतली सी सिंगल लेन रोड, तो काफ़ी अच्छा लगता है इसमें हल्की हल्की गाड़ी चलाते हुए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं कि सबको पसंद आए, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे गाड़ी चलाना। तो यहाँ पे अभी हम बाहर उतरे हुए हैं, तो यहाँ पे का टेम्परेचर तो काफ़ी कम हो रखा है, मतलब बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। हे मुँह, जैसे जैकेट भी नहीं पहनी है, तो स्वेटर में काफ़ी ठंडा महसूस कर रहा है। कितना ठंडा लग रहा है भाई, बहुत लग रहा है, कम लग रहा है? इसको तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, सरमा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं हिमालय दर्शन से, तो यहाँ से भी काफ़ी साफ व्यू हिमालय का। बस ये कैमरा अगर थोड़ा अच्छा होता तो आपको एकदम साफ हिमालय दिखता,
तो यहाँ से पूरा ये जो ऊपर आपको चमकीला दिख रहा है ये सब हिमालय है, उसमें बर्फ़ पड़ी हुई, और नीचे सब यहाँ एक गांव है, या मुझे पता नहीं है कौन से गांव है, वैसे शायद खैरना है बोलते हैं, या खैरना धनियाकोट कुछ गांव इधर को पड़ते हैं शायद वो हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है वैसे। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा है अभी। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पंगूट में। तो पंगूट में एक यहाँ पे देखिए ये रास्ता दिख रहा है, रामकृष्ण शारदा मिशन पंगूट। तो यहाँ पर एक मतलब इनका आश्रम टाइप का है, तो यहाँ भी मैं भी नहीं आया हूँ अभी तक आज तक वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे रामकृष्ण शारदा मिशन है, ये आखिरी मोड़ पंगूट का। तो उसके बाद यहाँ पे एक मिल जाएगी छोटी सी मार्केट, छोटी सी मार्केट नहीं कहेंगे वैसे इसे गाँव के हिसाब से, यहाँ बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट भी हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं काफ़ी। तो यहीं पर सड़क में ही है मार्केट, इधर से नीचे काफ़ी ये देखिए यहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं और रेस्टोरेंट बना हुआ है। और यहाँ से नीचे को चले जाते हैं, इधर से नीचे को और गांव पड़ते हैं, ये पंगूट की मार्केट है यहाँ पे, और नीचे को यहाँ से गांव पड़ते हैं और बाकी बगड़ पंगूट पाली वाली है। और ये आगे को अब हम चले गए हैं गुगुहान की तरफ। तो ये है पंगूट, तो जो मेन पंगूट है मतलब यहीं पर ही है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं घुघुहान पे, और यहाँ पे से जो आप आगे सड़क देख रहे हैं ये तो सीधे चले जाती है विनायक के लिए। तो यहाँ से लगभग एक मंदिर भी पड़ता है ब्रह्मस्थली का, काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ गांव में, तो ब्रह्मस्थली का मंदिर बोलते हैं उसको। और यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं मम्मी उसे, बधड़साई, जो यहाँ की मतलब पहाड़ी भाषा में उसको बधड़साई कहते हैं। तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, तो कभी ज़रूर मैं जाऊँगा उस मंदिर में भी, आज तक मैं भी नहीं गया हूँ। तो यहाँ से लगभग हमको अब लेफ्ट ले लेना है, तो अभी हम फिलहाल घुघुहान में हैं, यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे तो हम जाएंगे सौड़गाँव की तरफ। 11 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे से सौड़गाँव को, और यही रास्ता आगे चल के फिर चले जाता है कोटाबाग को, जो यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे जो ये थोड़ी सी मार्केट है, यहाँ पे भी छोटी सी मार्केट है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे कि आप छोटी सी मार्केट देख रहे हैं घुघुहान की, तो यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, तो यहाँ पे चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बढ़ चुके हैं सौड़गाँव की तरफ घुघुहान से निकल के, और यहाँ पे भी खतरनाक कोहरा लगा हुआ है, वरना यहाँ से पूरा गांव दिखता। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट बने हुए हैं, मुस्कुटिया रिट्रीट और ये मोक्सम हिमालयन कैंप साइट। तो यहाँ पे आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे काफ़ी, अगर आप यहाँ पे आके अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आसानी से आपको यहाँ पे कैंप मिल जाएंगे, रिजॉर्ट मिल जाएंगे। तो कौन कौन से गाँव पढ़ते हैं रेमो यहाँ पे आगे को, कौन कौन से पढ़ते हैं मम्मी गाँव, और क्या पढ़ता है, मोरे पढ़ता है कोई, अच्छा हाँ, मतलब हमको बीच में अभी एक आध देख दो गांव और मिलेंगे, सिगड़ी बोल रहे हैं और ग्वालाकुटी, और क्या बोला है हेमू तूने को, नरेश्वर करके बोल रहा है कुछ, तो 2-3 गांव और हैं, फिर उसके बाद सौड़ी आता है। तो मतलब 11 किलोमीटर में 3-4 गांव हैं यहाँ पे। तो रोड की हालत तो काफ़ी ख़राब,
तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अब अपने नैनीहाल पे। हेमू जा चुका है अपने घर वहाँ पे से, रोड में पहले ही रेस लगा दी उसने। तो उधर हमको जाना है इधर, तो यहाँ पे हैं खेत सारे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग घर पे ही, गाड़ी खड़ी कर चुके हैं रोड में। और यहाँ दिख रहा है अभी गांव, चारों तरफ कोहरा लगा है। तो कल सुबह आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसा गांव है, अभी तो केवल कोहरा लग चुका है, अंधेरा भी हो रहा है, तो साफ वीडियो नहीं बन रही है उतनी। तो अब मिलता हूँ आपसे मैं कल, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।